बैटरी ड्रेन टेस्ट शुरू करने से पहले आपको बता दूं, किसी भी फ़ोन में कोई भी पावर सेविंग मोड इनेबल नहीं है। सभी फोन्स कनेक्टेड है सेम वाईफाई नेटवर्क से। इसके अलावा इन सभी फोन्स के साउंड एंड ब्राइटनेस लेवल को मैक्स सेट कर दिया गया है और इन फोन्स में GPS ऑन है। अगर बात करें इन फोन्स की बैटरी कैपेसिटी की, तो इन सभी फोन्स में 5000 mAh की बैटरी दी गई है। तो चलिए बैटरी ड्रेन टेस्ट शुरू करते हैं और सबसे पहले 2 hour के लिए वीडियो प्ले करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे इन सभी फोन्स की बैटरी परसेंटेज। टूआर वीडियो प्ले के बाद जियोनी मैक्स की बैटरी 24% ड्रॉप हो चुकी है। अभी रिमेनिंग बैटरी है 76%। रेडमी 9A की 18% बैटरी ड्रॉप हुई है, अभी रिमेनिंग 82%। इन्फिनिक्स स्मार्ट HD की 14% बैटरी ड्रॉप हुई है, अभी रिमेनिंग 86%। माइक्रोमैक्स इन 1 की 23% बैटरी ड्रॉप हुई है, अभी रिमेनिंग 77%। एंड टेक्नो स्पार्क गो 2020 की 18% बैटरी ड्रॉप हुई है, अभी रिमेनिंग 82%। तो चलिए सर इसके नेक्स्ट फेज की तरफ मूव करते हैं। अभी इन सभी डिवाइसेस के ऊपर हम 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे 2 hour के लिए और उसके बाद चेक करेंगे किस फोन की बैटरी कितने परसेंट ड्रॉप हुई है। 2 hour वीडियो प्ले के बाद सबसे ज्यादा बैटरी जो ड्रॉप हुई है वो हुई है माइक्रोमैक्स इन 1 की, एंड जो सबसे कम हुई है वो हुई है इन्फिनिक्स स्मार्ट HD की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम इन फोन्स के ऊपर वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए पूरे 2 hour हो चुके हैं। 2 hour के बाद जियोनी मैक्स की 44% बैटरी रिमेनिंग है, 32% बैटरी ड्रॉप हो चुकी है। रेडमी 9A की 25% बैटरी ड्रॉप हो चुकी है, अभी रिमेनिंग है 57%। इन्फिनिक्स स्मार्ट HD की 21% बैटरी ड्रॉप हो चुकी है, अभी रिमेनिंग है 65%। माइक्रोमैक्स इन 1 की 39% बैटरी ड्रॉप हो चुकी है, अभी रिमेनिंग है 38%। एंड टेक्नो स्पार्क गो 2020 की 34% बैटरी ड्रॉप हुई है, रिमेनिंग है 48%। तो चलिए इस टेस्ट के नेक्स्ट फेज की तरफ मूव करते हुए अभी 2 hour के लिए म्यूजिक प्ले करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे इन फोन्स की बैटरी परसेंटेज। 2 hour वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद सबसे ज्यादा बैटरी ड्रॉप हुई थी माइक्रोमैक्स इन 1 की, एंड सबसे कम बैटरी ड्रॉप हुई थी इन्फिनिक्स स्मार्ट HD की। तो 2 hour कंटिन्यूस म्यूजिक प्ले के बाद जियोनी मैक्स की 29% बैटरी ड्रॉप हो चुकी है, अभी रिमेनिंग है 15%। रेडमी 9A की 26% बैटरी ड्रॉप हो चुकी है, अभी रिमेनिंग है 31%। इन्फिनिक्स स्मार्ट HD की 21% बैटरी ड्रॉप हो चुकी है, अभी रिमेनिंग है 44%। माइक्रोमैक्स इन 1 की 24% बैटरी ड्रॉप हो चुकी है, रिमेनिंग है 14%। एंड टेक्नो स्पार्क गो 2020 की 26% बैटरी ड्रॉप हो चुकी है, अभी रिमेनिंग है 22%। तो चलिए सर इसके लास्ट फेज की तरफ मूव करते हैं और इन सभी फोन्स के ऊपर हम YouTube वीडियो प्ले करेंगे जब तक इन फोन्स की बैटरी कम्प्लीटली ड्रेन नहीं हो जाती। 2 hour म्यूजिक प्ले के बाद सबसे ज्यादा बैटरी जो ड्रॉप हुई थी वो हुई थी जियोनी मैक्स की, एंड सबसे जो कम हुई थी वो हुई थी इन्फिनिक्स स्मार्ट HD की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जियोनी मैक्स की बैटरी सबसे पहले कम्प्लीटली ड्रेन हो चुकी है। इस फोन ने हमें टोटल 7 hour 12 minutes का स्क्रीन ऑन टाइम दिया है। लास्ट की 15% बैटरी से हमने 1 hour 12 minutes के लिए YouTube वीडियो प्ले किया है। इस फोन की बैटरी कंजम्पशन थोड़ी ज्यादा है अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशंस। अभी देखते हैं 4th position के ऊपर कौन सा फोन आता है। फोर्थ पोजीशन के ऊपर आ चुका है माइक्रोमैक्स इन 1 भी। इस फोन ने हमें टोटल 8 hours 3 minutes का स्क्रीन ऑन टाइम दिया है। लास्ट की 14% बैटरी से हमने 2 hours 3 minutes के लिए यूट्यूब वीडियो प्ले किया है। अभी कंपटीशन जारी है 3rd, 2nd, and 1st position के लिए। तो देखते हैं कौन सा फोन 3rd, 2nd, and 1st position के ऊपर आता है। तो 3rd position के ऊपर आ चुका है टेक्नो स्पार्क गो 2020। इस फोन की बैटरी कम्प्लीटली ड्रेन हो चुकी है। इस फोन ने हमें टोटल 8 hours 16 minutes का स्क्रीन ऑन टाइम दिया है। लास्ट की 22% बैटरी से हमने 2 hours 16 minutes के लिए यूट्यूब वीडियो प्ले किया है।
फाइनली Redmi 9A की भी बैटरी कम्प्लीटली ड्रेन हो चुकी है। इसी के साथ ये फोन आ चुका है सेकंड पोजीशन के ऊपर। इस फोन ने हमें टोटल 8 hours 44 minutes का स्क्रीन ऑन टाइम दिया है। लास्ट की 31% बैटरी से हमने 2 hours 44 minutes के लिए यूट्यूब वीडियो प्ले किया है। इसी के साथ फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आ चुका है Infinix Smart HD। अभी देखना है कि उस फोन से हमें कितना टोटल स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। Infinix Smart HD की भी बैटरी कम्प्लीटली ड्रेन हो गई है। इस फोन ने हमें टोटल 11 hours 17 minutes का स्क्रीन ऑन टाइम दिया है। लास्ट की 44% बैटरी से हमने 5 hours 17 minutes के लिए यूट्यूब वीडियो प्ले किया है। इसी के साथ इस फोन ने इस सेस को जीत लिया है। तो सबसे ज्यादा हमें स्क्रीन ऑन टाइम मिला है Infinix Smart HD से एंड सबसे कम स्क्रीन ऑन टाइम मिला है Xiaomi Max से। Xiaomi Max से आपको थोड़ा कम स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगा, बाकी सभी रिमेनिंग डिवाइसेस से आपको अच्छा स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा, बट सबसे बेस्ट मिलेगा Infinix Smart HD के। इस वीडियो में इतना ही। इन फोन्स के ऊपर और बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर मैसेज भेज सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।